नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन से पहले सभी 8 फ्रेंचाइजीज टीमों ने अपने खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है। इस बार रिटेंशन के दौरान रिलीज किए गए खिलाड़ियों को लखनऊ और अहमदाबाद, दो नई फ्रेंचाइजीज आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले ही अपने साथ जोड़ने जा रही है। वहीं आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर एक फ्रेंचाइजीज के कप्तान बनने जा रहे हैं। जी हाँ, केकेआर को दो बार चैंपियन बना चुके गौतम गंभीर ने जब दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी छोड़ी तब मुंबई के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फ्रेंचाइज ने टीम की कप्तानी सौंपी। अय्यर ने एक लीडर की भारतीय टीम को एकजुट करते हुए खिलाड़ियों से शानदार परफॉर्मेंस करवाया, साथ ही दिल्ली कैपिटल्स को सशक्त टीम बनाने में सफलता हासिल की। वहीं अपनी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2020 के फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन मुंबई इंडियंस के हाथों शिकस्त खाकर खिताब जीतने से चूक गए। लेकिन 14वें सीजन में श्रेयस अय्यर के चोटिल होने पर पंत को फ्रेंचाइज ने कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी। पंत ने मौके को अच्छे से बुनाया। जब श्रेयस अय्यर यूएई लीग में खेलने के लिए पहुंचे तो फ्रेंचाइज ने उन्हें टीम में बतौर बल्लेबाज खिलाया। वही कप्तानी वापस नहीं मिलने पर श्रेयस अय्यर की नाराजगी साफ दिख रही थी और वो फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हुए नहीं रहना चाहते थे। दूसरी तरफ दिल्ली टीम ने अपने पूर्व कप्तान की बात को मानते हुए रिटेन नहीं किया। श्रेयस अय्यर फिलहाल अपने करियर के शानदार फॉर्म में है। कानपुर टेस्ट में डेब्यू करते हुए पहली पारी में शानदार शतक, जबकि दूसरी पारी में हाफ सेंचुरी जड़ी। इस खिलाड़ी ने तीनों फॉर्मेट में शानदार खेल से सभी फ्रेंचाइज अपने पाले में लाना चाहती है, लेकिन अय्यर ने दिल्ली का दामन कप्तान नहीं मिलने की वजह से छोड़ती। केएल राहुल लखनऊ की तरफ से कप्तान बनाए जा रहे हैं। उनके साथ राशिद खान और युजवेंद्र चहल आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले लखनऊ की टीम का हिस्सा बनेंगे। रिपोर्ट्स से बताया जा रहा है कि बीसीसीआई की तरफ से हरी झंडी मिलते ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। एक तरफ केएल राहुल के कप्तान बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर को अहमदाबाद टीम की कमान सौंपी जा रही है। इस नई फ्रेंचाइजीज बतौर कप्तानी वाली पसंद श्रेयस अय्यर ही है। अय्यर को कप्तान बनाने के लिए टीम भारी भरकम राशि अदा कर सकती है। श्रेयस अय्यर ने अब तक खेले गए 87 आईपीएल मुकाबले में 12 बार नाबाद रहते हुए 31 के औसत से 123 के स्ट्राइक रेट से 2375 रन बनाए। अय्यर के नाम आईपीएल करियर में 16 हाफ सेंचुरीज भी हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 196 चौके, 88 छक्के भी निकले हैं। जी हाँ, अय्यर बन सकते हैं अहमदाबाद टीम के नए कैप्टन।